वेलकम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हैज़ गेन इंक्रीज इम्पोर्टेंस इन द लास्ट फ्यू ईयर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, द गवर्नमेंट एंड सिविलाइजेशन कम्युनिटी। विद द रिसेंट कंसर्न अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एजेंसी आर ट्राइंग टू परचेज सिस्टम विद अ हायर रिलायबिलिटी एंड लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट एज कंज्यूमर were are mainly concerned with buying a product that lasts longer and are cheaper to maintenance, that is have higher reliability. The reason of wanting high product or component or system reliability are obvious. अब क्या होता है मार्केट में आजकल, क्या हो रहा है कि कंपनियाँ जैसे जैसे ये बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, तो क्या हुआ कि ऐसी कंपनियां उभर के बाहर आई जिनके प्रोडक्ट ज़्यादा रिलायबल थे कंपेयर टू अदर्स। तो क्या हुआ कि अब कस्टमर उसी प्रोडक्ट को प्रेफर करता है जिसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो, जो ज़्यादा चले, फेलियर नहीं हो, बार बार प्रॉब्लम नहीं हो, सिंपल सी बात है, उसको ही प्रेफर करेगा। इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा रिलायबल हो, ठीक है। तो ये रिलायबल क्यों ज़रूरी है? हायर कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन, हमारे जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो। इंक्रीज सेल, इम्प्रूव सेफ्टी, डिक्रीज वारंटी कॉस्ट, डिक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी रिलायबिलिटी की वजह से इन चीज़ों में हमको फ़ायदा होता है। दूसरा, हमारा कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। बात करते हैं रिलायबिलिटी क्या है। द रिलायबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और ए सिस्टम कैन बी डिफाइंड as the probability that product will perform a required function under specific condition for a certain period of time। अब देखो रिलायबिलिटी क्या है, सिंपल सी बात है, ये एक प्रोबेबिलिटी है जो लगाई जाती है, जिसमें ये बोला जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो स्पेसिफिकेशन के लिए बनाया गया है, जो ऑपरेशन के लिए बनाया गया है, उसको अच्छे से फॉलो करें, है ना, और गिवन टाइम के अंदर अंदर तो वर्क करें। जैसे अगर हम बात करें कि लैपटॉप आते हैं, लैपटॉप की स्किन आती है, वो जो स्किन आती है उसकी वारंटी 2 ईयर होती है। अगर 2 ईयर से पहले ख़राब हो गया तो हमारा प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है, फिर भी 2 से भी ज़्यादा चलता है। कंपनी क्लेम करती है 2 ईयर्स के लिए, लेकिन फिर क्या होता है वो ज़्यादा परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है। तो लोग लेना चाहते हैं, ऐसे लैपटॉप को लेना चाहेंगे जो टाइम से भी ज़्यादा क्या हो, परफॉर्म करें। If we have a large number of items that we can test over time, then the reliability of the items at time t is given by। तो ये हमारे पास इक्वेशन है रिलायबिलिटी निकालने के लिए। क्या होती है? नंबर ऑफ सर्वाइवर एट टाइम t अपॉन नंबर ऑफ आइटम पुट ऑन टेस्ट एट टाइम t। अगर टाइम क्या है, ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो, तो उस कंडीशन में जो रिलायबिलिटी होगी वो 100% होगी, ठीक है ना। After this, the reliability RT will be declined as some component fail to perform in satisfactory manner। अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कंपोनेंट फेल होने लगेंगे और रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। बात करते हैं फेलियर रेट की। द फेलियर रेट यूजअली रिप्रेजेंटेड बाई ग्रीक लेटर लेमड़ा इज़ अ वेरी यूजफुल क्वान्टिटी। दिस इज डिफाइंड एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट फेलिंग इन वन स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि कितने टाइम के अंदर एक यूनिट, एक कंपोनेंट फेल हो रहा है, वो हमको प्रोबेबिलिटी से पता लगेगा। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, लैम्डा टी इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एन एस मल्टीप्लाई डेल्टा टी। यहाँ पर एन एफ क्या है, नंबर ऑफ फेलियर इन ए स्मॉल टाइम इंटरवेल, कि छोटे से इंटरवेल में कितना नंबर में फेलियर हो रहा है। डेल्टा टी जो ये एन एफ है, ये नंबर है डेल्टा टी में फेल होने वालों का, और एन एस क्या है, नंबर ऑफ सर्वाइवर एट ए टाइम टी, कि कितने सर्वाइव कर रहे हैं टाइम टी में। तो इस तरह हम इस इक्वेशन से फेलियर रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, आप देख सकते हो, इफ़ देयर आर 200 सर्वाइविंग कंपोनेंट आफ्टर 400 सेकेंड एंड 8 कंपोनेंट फेल over the next 10 second, the failure rate after the 400 second is given by, तो lambda 400 क्या जाएगा, 8/200 multiply by 10, तो कितना आएगा, 0.4% हमारी क्या आ जाएगी, फेलियर रेट आ जाएगी।
ठीक है, वी कैन डिफाइन फेलियर रेट फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड आल्सो फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट लाइक कार, वॉशिंग मशीन. इन द लेटर केस वी नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट इज मीन बाय फेलियर. फॉर ए कार फॉर एग्जांपल, दिस कैन अरेंज फ्रॉम कंप्लीट ब्रेकडाउन टू रिलेटिव माइनर प्रॉब्लम. एंड वी शुड आल्सो रिमेंबर दैट फेलियर इन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट आर जनरली रिपेयरेबल वेयर दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट. द कंसेप्ट ऑफ बाथटब कर्व. अब हम बात करेंगे बाथटब कर्व होता क्या है. दिस इज सो कॉल्ड बाथटब कर्व रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ फेलियर फॉर मैनी प्रोडक्ट. तो इसके अंदर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे किस तरीके से हमारा कंपोनेंट फेल हो रहा है, रीज़न क्या है. स्पेशली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स सच एज कार, वॉशिंग मशीन, द वर्टिकल एक्सिस इन दिस फिगर इज द फेलियर रेट ईच पॉइंट इन टाइम. हायर वैल्यू हियर इंडिकेट द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. ये आप देख सकते हो, ये बाथटब कर्व है. इस बाथटब कर्व में आप देख सकते हो ये किस किस के बीच में इंक्रीजिंग फेलियर रेट और टाइम के बीच में है. सबसे पहले क्या होता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जिसमें क्या हो रहा है, धीरे 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 फेलियर रेट डिक्रीज हो रही है. फिर क्या हो जा रहा है कि जो फेलियर रेट है वो कॉन्स्टेंट हो जा रही है, जिसको हम बोलेंगे यूजफुल लाइफ. और उसके बाद अचानक से फेलियर रेट क्या होती है, बढ़ती है जब वियर आउट हो जाता है. ठीक है, अब इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं. ये हमारे पास ग्राफ है, बाथटब कर्व बोलते हैं. इसमें जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, यूजफुल लाइफ है और वियर आउट, इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी. इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या है, दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड अर्लियर फेलियर और डीबगिंग स्टेज. यानी कि पहले ही फेलियर हो जा रहा है. जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेने गए मार्केट में, हमने ख़रीदा, यूज़ करा और वो क्या हुआ, तुरंत ही फेल हो जा रहा है, ख़राब हो गया. ठीक है ना, इस टाइप की फेलियर को इन्फेंट मॉर्टेलिटी बोलते हैं. द फेलियर रेट इज़ हायर बट डिक्रीजिंग ग्रेजुअली विद टाइम. क्या होगा कि शुरू में तो जैसे हमने कोई नया कंपोनेंट बनाया तो वो तो क्या होगी, इसकी फेलियर रेट हाई होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी फेलियर रेट क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि हम उसमें कोई ना कोई चेंजेस करते रहेंगे, रिपेयर करते रहेंगे, हमारे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते रहेंगे. ड्यूरिंग दिस पीरियड द फेलियर अकर बिकॉज इंजीनियरिंग डिड नॉट टेस्ट प्रोडक्ट और सिस्टम और सर्विस सिस्टम और सर्विस सफिशियंटली और मैन्युफैक्चरिंग मेड सम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. अब ये जो फेलियर हो रहा है, ये फेलियर हो रहा है किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसने इसमें अच्छे से वर्क नहीं किया है. ठीक है ना, तो ये टोटली किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अगर प्रोडक्ट फेल हो रहा है. Therefore, the failure rate at the beginning of infant mortality stage is higher and then it decreases with the time. After early failure are removed by burn in or stress skin method. Some of the typical earlier failure are. तो कुछ हमारे पास जो अर्ली फेलियर हो रही है उनकी वजह है पुअर वेल्डिंग, अच्छे से वेल्डिंग नहीं की है, कोई ना कोई डिफेक्ट छोड़ दिया है. ठीक है, दूसरा पुअर कनेक्शंस, जो हमारी डिवाइस है उसके अंदर हमने कनेक्शन है वो अच्छे से नहीं करें, और करे भी है तो उनको अच्छे से हमने अरेंज करके फिक्स करके नहीं रखा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. कंटेमिनेशन ऑन सरफेस इन मटेरियल, जो हमारा मटेरियल है उसकी सरफेस कैसी हो जा रही है, ख़राब हो जा रही है रखे रखे. इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ पार्ट, और पार्ट को सही से क्या नहीं करा है हमने, पोजिशनिंग नहीं करा है, मतलब कि उसकी कटिंग अच्छे से नहीं है, कि वो जहाँ पर यूज़ करना है वहाँ पर अच्छे से फिक्स नहीं हो पा रहा है. नेक्स्ट इज यूजफुल लाइफ. अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं इसमें इन्फेंट मोर्टिलिटी वाला ग्राफ कौन सा है, ये रहा, ये हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी है. ठीक है, ये हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी है, इसके बीच में है यूजफुल लाइफ और आफ्टर है वियर आउट. तो यूजफुल लाइफ क्या होती है, दिस इज द मिडल स्टेज ऑफ द बाथटब कर्व. दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय कॉन्स्टेंट फेलियर रेट,
This period is usually given the most consideration during the design stage and is the most significant period for the reliable prediction and evaluation activities. Product or component reliable with constant failure rate can be predicted by exponential distribution. अब देखो इसके अंदर क्या होता है, यूजफुल लाइफ के अंदर जो भी फेलियर होगा वो फिक्स है, यानी कि एक गिवन टाइम के अंदर अंदर अगर हम बोलें कि इतना पार्ट, इतना कंपोनेंट हमारा फेल हुआ है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम उसमें R&D डिपार्टमेंट में उसमें कुछ ना कुछ वर्क करके हम धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो फेल हो गई होगा। क्योंकि अगर आप बात करो, हमेशा कोई भी चीज़ 100% वर्किंग कर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो किसी में डिफेक्ट आएगा ही आएगा, चाहे आपने कितने अच्छे से वर्क किया हो। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके अंदर यूज़फुल लाइफ में कि भाई फिक्स होता है कि 100 में से 5 पीस फेल होते हैं तो होते ही होते हैं। ठीक है ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। अच्छा, इसको निकालने के लिए हम करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, जिसके थ्रू हम यूज़फुल लाइफ को मतलब फेलियर रेट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वियर आउट स्टेज। वियर आउट स्टेज क्या होती है? दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर द रेट इंक्रीजेज एज प्रोडक्ट बिगेन टू वियर आउट बिकॉज ऑफ एज, लैक ऑफ मेंटेनेंस। व्हेन द फेलियर रेट बिकम हायर, रिपेयर, रिप्लेसमेंट पार्ट आर एक्सेट्रा शुड बी डन। अब देखो क्या होता है, ये वाली जो वियर आउट स्टेज होती है इसकी दो वजह होती है, पहली होती है एज, दूसरी होती है लैक ऑफ मेंटेनेंस। एज इफेक्ट तो करता ही है, जैसे जैसे कंपोनेंट वर्क करेगा, कोई मैकेनिकल वर्क कर रहा है या कोई इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई फ्रिक्शन होगा या फिर हीट की वजह से कोई ना कोई उसमें रिडक्शन होगा या मटेरियल की कुछ एज होगी जिसकी वजह से वो भी ख़राब हो सकता है। दूसरा क्या है, लैक ऑफ मेंटेनेंस। अच्छे से मेंटेनेंस नहीं की जाए, आपने एक बाइक खरीदी, आपको बोला गया कि इतने टाइम के बाद सर्विस करानी है, आपने नहीं कराई। ठीक है, एक एक दो दो साल हो जा रहे हैं बाइक को, तो क्या होगा, इंजन सीज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आप ऑयल अगर नहीं डला रहे हो, सर्विसिंग नहीं करा रहे हो, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, है ना। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें रिपेयरिंग होती है, रिप्लेस होता है पार्ट, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो वेयर आउट स्टेज में होती है ना। यह हमारा चैप्टर, ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।